फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप राशिस किचन पे जाके उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें ताकि आप मेरी नोटिफिकेशन पा सकें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राशिस किचन। आज मैं एक बहुत ही स्पेशल डिश लेके आई हूँ। ये डिश जो है ये बिहार और यूपी का बहुत ही फेमस डिश है। इसे हम पिट्ठा या फारा बोलते हैं। ये एक राइस रैप होता है जिसमें हम चना दाल मसाला ऐड करते हैं। ये बहुत ही टेस्टी है, वन ऑफ माई फेवरेट डिश है फ्रेंड्स। तो आइए आज मैं आपको दिखाती हूँ कि इसे हम कैसे बनाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फ्रेंड्स, पिट्ठा या फारा बनाने के लिए हमारे ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, जहाँ पे मैंने 1 कप चना दाल लिया है जिसको हमने 3 आवर्स के लिए सोक कर दिया था वाटर में। 2 कप राइस फ्लावर हम लेंगे, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, 1 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल जिसे हम सरसों का तेल भी बोलते हैं। यहाँ पे मैंने 4 to 5 गार्लिक क्लॉव्स लिए हैं, 3 ग्रीन चिलीज। ग्रीन चिलीज आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। 1 टीस्पून क्यूमिन सीड्स, 1 टीस्पून अमचूर पाउडर। तो फ्रेंड्स, आइए हम पिट्ठा बनाना शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने अपने चने दाल से अच्छी तरह से वाटर को पूरा ड्रेन आउट कर लिया है और अब हम इसे ग्राइंड करेंगे। यहाँ पे मैं चॉपर का यूज़ कर रही हूँ इसे ग्राइंड करने के लिए, बट हमें इसे पेस्ट बिल्कुल भी नहीं बनाना है, हम इसे कोर्स ग्राइंड करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब इसमें हम अपने बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देंगे, जो गार्लिक क्लॉव्स है, रेड चिली है, ये मैं आपको बताना भूल गई थी, बट आप रेड चिली भी ऐड कर सकते हैं, 3 ग्रीन चिलीज, चिलीज आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग ऐड कीजिए, क्यूमिन सीड जिसे हम जीरा भी बोलते हैं, और ऐड कर रही हूँ अपना आमचूर पाउडर। इससे जो टेस्ट है वो बहुत ही टेंची और बहुत ही अच्छा लगता है, थोड़ा सा खट्टापन और चटका सा टेस्ट आता है। तो आप चना दाल मसाला बनाने के लिए ये इंग्रेडिएंट्स ज़रूर ऐड करें और ज़रूर ट्राई करें। ये जो डिश है ये बिहार और यूपी का बहुत ही फेमस डिश है, बहुत ही फीलिंग होता है, बहुत ज़्यादा यमी होता है। और आप देखिए, हमने इसे बहुत ही अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है, ये इस तरह से कोर्स ग्राइंड ही होगा, पेस्ट बिल्कुल भी नहीं बनाना है। मेक श्योर कीजिए कि वाटर बिल्कुल भी ना रहे। अब इसमें मैं अपना सॉल्ट भी ऐड कर देती हूँ ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, और एक बार और मैं अच्छी तरह से इसे चॉप कर देती हूँ ताकि ये फाइन थोड़ा हो जाए। और फाइन होने के बाद आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी वाटर नहीं है, जस्ट पाउडरी टाइप का ये बना है हमारा। और बाकी के भी हम चने दाल को इसी तरह ग्राइंड कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, अब हमने अपने सारे चने दाल को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है और आप देख सकते हैं कि हमारा चना दाल का जो मसाला है वो बनकर बिल्कुल रेडी है। तो आइए अब हम अपने राइस फ्लावर का डो बनाना शुरू करते हैं और फिर हम उसमें अपने चने दाल मसाले को स्टफ करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने गैस पे अपने पैन को रख दिया है, बट पैन को हम वार्म अप नहीं होने देंगे, हम उसमें सबसे पहले वाटर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं 2 कप्स वाटर ऐड कर रही हूँ, और आपको मेक श्योर करना है कि जो पैन होना चाहिए वो हमारा थोड़ा डीप होना चाहिए, बिकॉज़ हम इसमें राइस फ्लावर बनाने वाले हैं और हम जैसे कि वाटर ऐड कर रहे हैं तो उसको बनाने के लिए थोड़ा डीप पैन होगा तो बहुत ईजी होगा उसको बनाना। और एक बार हमारा वाटर थोड़ा सा वार्म अप हो जाए, फिर हम इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ऐड कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी हमारा चना दाल मसाले में सॉल्ट एडेड है। तो हम डो में जस्ट 1/2 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे, और जैसे कि आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा वेपर निकलना शुरू हो गया है हमारे वाटर से, तो इट्स मीन्स वो लिटिल बिट हॉट हो चुका है। तो इसमें हम मस्टर्ड ऑयल जो 1 टेबल स्पून है वो ऐड कर देंगे, सरसों का तेल, ताकि वो एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर के साथ साथ जो राइस फ्लावर में स्टिकीनेस होता है उसको भी थोड़ा कम कर देगा। तो अब आप देख सकते हैं बबल्स भी आ गए हैं, तो हम राइस फ्लावर भी ऐड कर देंगे क्योंकि हमारा वाटर जो है वो अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम फटाफट क्विकली इसको मिक्स करेंगे ताकि हमारे जो लम्ब्स हैं वो हम अवॉइड कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट मिक्सिंग इट।
हम इसमें 1/4 कप मोर वाटर ऐड कर रहे हैं क्योंकि राइस फ्लावर जो है वो बहुत ही क्विकली वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है और हमारा बॉइलिंग वाटर था तो वो बहुत ही जल्दी एब्जॉर्ब हो गया, तो हमने थोड़ा सा और ऐड किया है ताकि वो थोड़ा सा सॉफ्ट डो बने। और उसके बाद हम क्विकली इसको इस तरह से मिक्स कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो हमारा राइस फ्लावर था वो अब डो का शेप लेने लगा है, उसके जो एक्सेस वाटर हैं वो एब्जॉर्ब हो गए हैं, बहुत हद तक निकल गए हैं और जो लम्स है वो बिल्कुल भी नहीं है। और अगर थोड़ा बहुत आपका रह भी जाता है तो आप कूल डाउन होने के बाद उसे हटा सकते हैं, तो नो नीड टू वरी। और अब चलिए हम इसको गैस से हटा लेते हैं और थोड़ी देर के लिए हम कूल डाउन होने के लिए रख देंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं हमने अपने राइस फ्लावर डो को एक सेपरेट बॉल में निकाल लिया है। थोड़ा सा हम अपने हैंड को ग्रीस कर लेंगे ऑयल से ताकि वो स्टिक ना हो, और आप उसको नीट कर सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से। अगर आपके लम्स के हैं तो वो यहाँ पे रिमूव हो जाएंगे। थोड़ा सा राइस फ्लावर आप ऐड कर सकते हैं ताकि स्टिकनेस ना रहे, और अच्छी तरह से हमें राइस फ्लावर को नीट कर लेना है यहाँ पर ताकि वो बहुत ही स्मूथ डो प्रिपेयर हो जाए हमारा। और फ्रेंड, 2 मिनट्स तक नीट करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा डो जो है बहुत स्मूथ बन गया है और वो रेडी है। तो आइए अब हम इसमें फिलिंग स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, फारा या पिट्ठा बनाने के लिए यहाँ हमारा स्टफिंग भी रेडी है और डो भी रेडी है। तो आइए सबसे पहले हम अपने हैंड को थोड़े से ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं। ग्रीस करने से वो जो स्टिकनेस है डो का वो चला जाएगा। उसके बाद डो के थोड़े से पार्ट को लेके हम राउंड करेंगे, उसको अपने दोनों हाथों के हेल्प से इस तरह से फ्लैट करेंगे। फ्लैट हमें बहुत ज़्यादा भी नहीं करना है, इतना करना है जिसमें हमारा स्टफिंग फिल हो सके। और इसके बाद हम थोड़ा डीप करेंगे ताकि हमारे स्टफिंग को थोड़ा स्पेस मिल सके अच्छे से ऐड होने के लिए। अपने स्टफिंग को ऐड कर देंगे हम रैप में और इतना ही ऐड करेंगे जितना उस रैप के लिए सफिशिएंट हो। क्लोज कर देंगे हम सभी एंड को अच्छी तरह से ताकि हमारा स्टफिंग बाहर ना निकल सके। और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा फारा या पिट्ठा बिल्कुल रेडी है स्टीम करने के लिए। और इसी तरह हम अपने बाकी के जितने भी पिट्ठा हैं उन्हें भी हम इसी तरह से बना लेंगे। तो आइए मैं आपको सेकेंड भी करके दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इस तरह से हम अपने सारे फारे को रेडी कर लेंगे। और मैंने वाटर को बॉयल होने के लिए, स्टीम होने के लिए रख दिया है। मैं इंस्टेंट पॉट का यहाँ पे यूज़ करूँगी और जब हमारा वाटर बॉयल होने लगेगा तब हम अपने पिट्ठे को या फारा को हम ऐड करेंगे अपने स्टीमर रैक पर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो वाटर है वो अच्छी तरह से बॉयल होने लगा है, हमने स्टीमर रैक लगा दिया है। और अब हम वन बाय वन अपने पिट्ठे को ऐड करेंगे। एक बार में मैं 4 to 5 ही कर सकती हूँ, बट मुझे इसे रीऑर्गेनाइज़ करना पड़ेगा बिकॉज मैं इसमें ऐड नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं इसको इस तरह से आप रीऑर्गेनाइज़ कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐड कर पाएँ, बट एक के ऊपर एक बिल्कुल भी नहीं करना है, सेपरेटली ऐड करना है सभी को। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, और हम अपने लीड को लगा देंगे इंस्टेंट पॉट पर। और हमें मेक श्योर करना है कि वो सीलिंग पोजीशन में होना चाहिए, वेंटिंग में नहीं। और हम इसे 10 मिनट्स के लिए स्टीम करेंगे। तो आप अभी देख सकते हैं हमारे इंस्टेंट पॉट पे ऑफ आ रहा है स्क्रीन पर, हम स्टीम पे क्लिक करके इसको 10 मिनट्स के लिए स्टीम करेंगे। और आफ्टर 10 मिनट्स फ्रेंड्स, हम जब हमारा नॉसल बटन जो है वो डाउन हो जाएगा और हमारा अच्छी तरह से जो वेपर है वो निकल चुका है, तब हम अपने इंस्टेंट पॉट को ओपन करेंगे और वन बाय वन अपने सारे पिट्ठे को जो बच्चे अच्छी तरह से स्टीम हो गए हैं उन्हें हम निकाल के प्लेट में रख लेते हैं।
और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा स्टीम किया हुआ पिट्ठा जो है वो रेडी है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है ये फूड। इतना फिलिंग है मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत डिलीशियस होता है। आप ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिए इसको और अपने कमेंट्स ज़रूर से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। आप इसे सर्व कर सकते हैं टमाटर आलू की चटनी सब्जी के साथ, चटनी के साथ, या फिर आप इसे आलू बैंगन की सब्जी के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा यमी लगता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़कर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।